महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से गंगा स्वयं सहायता समूह पडग की फूड वैन का शुभारंभ उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने किया। इस वैन के माध्यम से गंगा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिमाचली व्यंजन बनाकर अपना रोजगार स्थापित करेंगी। उपायुक्त ने वैन को हरी झंडी दिखाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हिमाचली व्यंजन बनाने की बात कही, ताकि पर्यटकों को हिमाचल के व्यंजन परोसे जा सके। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि गंगा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस फूड वैन के माध्यम से अपनी आजीविका में वृद्धि करेंगी, वह हिमाचली व्यंजन भी हाईवे किनारे पर्यटकों को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को ऐसा स्थान दिया जाएगा जहां पर लोगों की आवाजाही अधिक हो। हमारे गंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप ढोग है, यहाँ सोलन ब्लॉक में उनकी है, और इन्होंने काफ़ी कोशिश करके आप दोबारा से इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इनको 3-4 जगह चिन्हित की जाए जहाँ फुटफॉल ज़्यादा हो और इनकी जो उत्पाद है उसकी बिक्री हो सके, और जो भी इनका जो प्रयास है इन महिलाओं ने किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और इनका जज्बा देखकर हमें लगता है कि और भी महिलाएं प्रेरित होंगी। और क्योंकि हमारा नेशनल हाईवे है, बहुत टूरिस्ट यहाँ से गुजरता है, तो इसकी वायबिलिटी बहुत अच्छी बनती है कि इस तरह की फूड बैंक्स को हम और प्रमोट करें, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी है चाहे पर्यटक है उनको हिमाचल के व्यंजनों के साथ दूसरे जो भी खाने की चीज़ें उनको परोसें। हिमाचल प्रेस के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।